बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? बहुत से सादा पे यूज़र्स जो हैं परेशान हो रहे हैं, और मुझे कॉल्स भी आ रही हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भी आ रहे हैं, कमेंट्स में भी बताया जा रहा है, और लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई हमने 10 इनवाइट पूरे कर लिए हैं, हमें सादा पे की तरफ से वेलकम ईमेल भी आ गई है फाउंडर्स क्लब की, हम जो हैं सादा पे के फाउंडर्स क्लब के मेंबर भी बन चुके हैं, लेकिन जब हमने कार्ड ऑर्डर किया तो हमने ये सोच के किया कि ब्लैक वाला जो सादा पे का फाउंडर्स क्लब डेबिट कार्ड है हमें वो मिलेगा। लेकिन जब हमने कार्ड रिसीव किया, जब उसकी अनबॉक्सिंग की, तो सर वो तो जो है वो तो सी ग्रीन वाला कार्ड हमें मिला है। तो हम तो बड़े परेशान हो गए हैं कि जो फाउंडर्स क्लब वाला बंदा होता है उसको तो ब्लैक वाला डेबिट कार्ड मिलता है, और जिसके 10 इनवाइट्स पूरे नहीं होते, यानी कि जो फाउंडर्स क्लब के मेंबर नहीं होता, उसको वो सी ग्रीन वाला कार्ड मिलता है। सी ग्रीन से कलर से मुराद ये वाला कलर है, ठीक है? तो अब जो ये कलर वाला कार्ड जिनको मिल रहा है और जिनके 10 इनवाइट्स पूरे हो चुके हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उनको ब्लैक वाला कार्ड कैसे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, लेकिन अभी फिल वक्त मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो कार्ड मिल रहा है वो सादा पे की तरफ से लिमिटेड एडिशन टील फाउंडर्स क्लब कार्ड है। जी हाँ, सादा पे का लिमिटेड एडिशन टील फाउंडर्स क्लब कार्ड है भाई, वो जो आपको मिल रहा है, आपको वो फाउंडर्स क्लब वाला कार्ड ही मिल रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हो जी आपको ब्लैक वाला ही कार्ड चाहिए, क्योंकि डिफरेंट सादा पे ने भी यही बताया हुआ ना कि जो तो फाउंडर्स क्लब मेंबर है उनको जो कार्ड मिलता है वो ब्लैक कलर का डेबिट कार्ड होता है, और जो नॉन फाउंडर्स क्लब मेंबर होते हैं उनको सी ग्रीन वाला कार्ड मिलता है, ठीक है? तो जो कार्ड आपको मिला है वो सादा पे का लिमिटेड एडिशन टील फाउंडर्स क्लब कार्ड है। बेसिकली हुआ ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने साइनअप कर दिया हुआ है, बहुत लोगों ने इन्वाइट्स पूरे कर दिए हुए हैं, अब वो जो कार्ड्स के जो जहाँ पे उनकी प्रिंटिंग श्रिंटिंग होती है बैक एंड पे, जो भी उन्होंने कंपनी को आउटसोर्स किया हुआ है, जो भी उनका वेंडर है, शायद वहाँ पे जो है ऑर्डर जो है पूरा नहीं हो पा रहा, इसीलिए वो जो सी ग्रीन वाला कार्ड है जो आपको मिल रहा है उस कार्ड के ऊपर फाउंडर्स क्लब लिखा हुआ है। अगर आप नीचे गौर से देखोगे ना तो उस पर बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बॉटम पे फाउंडर्स क्लब लिखा हुआ है, ठीक है? तो जो कार्ड आपको मिला है वो जो सादा पे का सिंपल सी ग्रीन कार्ड है वो वाला कार्ड नहीं मिला, सादा पे का लिमिटेड एडिशन टील फाउंडर्स क्लब कार्ड मिला है आपको। अब इस कार्ड की जगह अगर आप ब्लैक कार्ड लेना चाहते हो, जैसे मुझे ब्लैक वाला कार्ड मिला हुआ, ठीक है, तो उस कार्ड को लेने का क्या तरीका है, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे लेना है, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं फिर आपको एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल भी दिखाऊंगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो कार्ड कैसे मिलेगा। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपको रेगुलर जो टील कार्ड है वो नहीं मिल रहा, वो लगता है उसका कलर जो है अपीयरेंस जो है रेगुलर टील कार्ड की तरह लगती है, लेकिन एक्चुअल में वो फाउंडर्स क्लब का टील कार्ड है लिमिटेड एडिशन। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, और भाई परेशान मत हो। जब जब आप लोगों को कोई ऐसे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं सादा पे टीम से कोऑर्डिनेट करके जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मुझे उनसे मिलती है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो परेशान मत हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जज़ाकअल्लाह।